हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आयुष सिंगल 24/7 क्लासेस में स्वागत है। आज मैं आपके साथ बात करूंगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट कोड 402 के क्लास 9th के सिलेबस के, और उसका जो हमारा पार्ट बी सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स की सेकंड यूनिट है, डेटा एंट्री एंड कीबोर्डिंग स्किल्स का टॉपिक, टाइपिंग इर्गोनॉमिक्स एंड रैपिड टाइपिंग ट्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के बारे में। और इस चैप्टर की और 9th क्लास की हमारी जो सेशन 2022-23 के लिए है, हमारी 7th क्लास होगी, जिसमें हम बात करेंगे टाइपिंग इर्गोनॉमिक्स एंड रैपिड टाइपिंग ट्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए। और ये स्टूडेंट मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो नोट्स मैंने आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाए हैं, ये NCERT और CBSE बोर्ड की बुक को ध्यान में रखते हुए आपको लैंग्वेज का यूज करा गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारा टाइपिंग इर्गोनॉमिक्स। टाइपिंग इर्गोनॉमिक्स क्या होता है? इट प्रोवाइड्स लॉजिस्टिक सपोर्ट फॉर एफिशिएंट एंड इफेक्टिव टाइपराइटिंग। इट मेंटेन्स एक्यूरेसी एंड स्पीड। टाइपिंग इर्गोनॉमिक्स कुछ नहीं है, ये एक प्रकार की फैसिलिटी है जो किसी भी यूजर को सपोर्ट टाइपिंग को इफिशियंट प्रभावी रूप से और उसकी टाइपिंग को एक्यूरेट करने के लिए और टाइपिंग की स्पीड को मेंटेन करने के लिए जो आपको सपोर्ट करती है, दिस इज नोन एज टाइपिंग इर्गोनॉमिक्स। देयर आर सम फैक्टर्स ऑफ टाइपिंग इर्गोनॉमिक्स व्हिच आर एज फॉलोस। टाइपिंग इर्गोनॉमिक्स के कुछ फैक्टर्स हैं जो नीचे दिए गए हैं। फर्स्ट, सिटिंग पोस्चर। आप टाइपिंग करते हैं तो आपका इस चीज पर भी निर्भर करता है कि आपकी टाइपिंग स्पीड कैसी है, कितना एक्यूरेट आप टाइपिंग कर पा रहे हैं। इस चीज पर दूसरे पॉइंट पर भी निर्भर करता है कि सीटिंग पोस्चर कैसा है, यानी कि आप किस तरीके से बैठ करके किस ई गैजेट या ई डिवाइसेस पर टाइपिंग कर रहे हैं, स्पेशली कंप्यूटर लैपटॉप की मैं यहां बात कर रहा हूं। सेकंड है पोजीशन ऑफ हैंड्स। आपके हैंड्स की पोजीशन क्या है टाइपिंग करते हुए, आपके फिंगर किस टाइप से वर्क कर रही है। दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर टाइपिंग इर्गोनॉमिक्स एंड टू मेंटेन टाइपिंग एक्यूरेसी एज वेल एज टाइपिंग स्पीड। नंबर थर्ड, मॉनिटर प्लेसमेंट, यानी कि आप स्क्रीन का कितनी डिस्टेंस पर रखा है और कितना एंगल पे आप देख पा रहे हैं। एंड नंबर फोर्थ इज माउस एंड कीबोर्ड प्लेसमेंट, और फिफ्थ इज चेयर एंड टेबल प्लेसमेंट, एंड लास्ट इज प्लेसमेंट ऑफ मैटर टू बी टाइप। इन सब चीजें, ये सभी 6 फैक्टर्स ऑफ टाइपिंग इर्गोनॉमिक्स के अंडर में आते हैं। अगर आप इन सब चीजों को, जैसे कि इनको बारे में हम 1 by 1 डिटेल्स में पढ़ेंगे अपनी क्लास में आज की, तो अगर आप इनको रिकमेंडेशंस के अकॉर्डिंग को फॉलो करते हैं तो स्टूडेंट्स आपकी टाइपिंग स्पीड बहुत अच्छी हो जाएगी और आप एक्यूरेट भी टाइप कर पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपको मैंने क्या बताया, टाइपिंग पोस्चर बताया कि आपका बैठने का तरीका क्या क्या होना चाहिए। सिटिंग पोस्चर व्हाइल ऑपरेटिंग कंप्यूटर, जब कंप्यूटर चला रहे हैं तो आपका बैठने का तरीका कैसा होना चाहिए। एल्बो शुड बी स्लाइटली हायर, एल्बो शुड बी स्लाइटली हायर देन रिस्ट व्हेन ऑपरेटिंग कीज और माउस। एल्बो जो है हल्की सी आपकी ऊपर होनी चाहिए जब आप माउस या कीबोर्ड का यूज कर रहे हैं। द डेस्क शुड बी अप्रोक्सीमेटली 600 to 720 mm हाई। आपकी जो टेबल है वो ग्राउंड से 680 to 720 mm की ऊंचाई पर होनी चाहिए। एंड द बैक सपोर्ट शुड बी एट एन एंगल ऑफ 90 to 100 degrees एंड सपोर्टिंग द लंबार कर्व, जैसा कि आपको पिक्चर में दिखाया गया है, यानी कि प्रॉपर आपको चेयर पर बैठना है और आपकी जो बैक बोन है वो 90 डिग्री के एंगल पर सीधी होनी चाहिए। फीट शुड बी सपोर्टेड ऑन द फ्लोर बाय फुट रेस्ट, पैर आपके जमीन पर प्रॉपर तरीके से रखे हों। देयर शुड बी अप्रोक्सीमेटली 2 to 3 फिंगर्स विथ क्लियरेंस बिटवीन द फ्रंट एज ऑफ द सीट एंड द बैक ऑफ द नी। आपके घुटने के और पैर के पंजे के बीच में कम से कम 2 to 3 उंगलियों का गैप हो, जिससे कि आपको बैठने में परेशानी ना हो। और यहाँ पे आपको बताया गया कि करेक्ट स्क्रीन एंगल व्यू कौन सा, रॉन्ग वे ऑफ सीटिंग कौन सा है। पोजीशनिंग ऑफ हैंड्स यहाँ पे आपको बताई जा रही है। व्हाइल वर्किंग ऑन कंप्यूटर द पोजीशन ऑफ योर हैंड शुड बी एज फॉलोज। आप जब कंप्यूटर पे वर्क कर रहे हो, लैपटॉप पे वर्क कर रहे हो, तो आपके हैंड्स की पोजीशन टाइपिंग करते समय किस प्रकार से होनी चाहिए, तो राइट रॉन्ग आपको यहाँ पे पिक्चर की हेल्प से समझाया गया है। उसके बाद आपका आता है अगला, जिसमें हम बात करेंगे मॉनिटर प्लेसमेंट। आपका मॉनिटर यानी कि जो लैपटॉप या कंप्यूटर जिस पे आप वर्क कर रहे हैं उसकी जो स्क्रीन है
को आपकी आईज से कितनी दूरी पर रखी होनी चाहिए। डू नॉट बेंड योर नेक व्हाइल वर्किंग ऑन कंप्यूटर, आप कंप्यूटर पर वर्क कर रहे हैं तो आप अपनी गर्दन को ना मोड़ें, यानी कि आपको ऊपर गर्दन उठानी भी नहीं और नीचे झुकानी भी नहीं, आपको बिल्कुल सीधे होकर बैठना है। द डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द यूजर शुड बी 60 से 65 सेंटीमीटर अप्रॉक्स, आपकी आईज से और स्क्रीन तक के बीच की जो दूरी है 60 से 65 सेंटीमीटर के लगभग होनी चाहिए। माउस एंड कीबोर्ड प्लेसमेंट, कीप द माउस एंड कीबोर्ड टुगेदर एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, आपसे 20 सेंटीमीटर की दूरी पर कीबोर्ड और माउस एक साथ रखे होने चाहिए और माउस हमेशा राइट हैंड साइड पर रखा होना चाहिए। चेयर एंड टेबल प्लेसमेंट, द चेयर ऑफ द कंप्यूटर यूजर मस्ट बी सपोर्टेड टू हिज और हर लोअर बैक, आपकी कंप्यूटर की जो चेयर है, जो भी व्यक्ति कंप्यूटर चला रहा हो, जिस चेयर पर बैठ कर कंप्यूटर यूज चला रहा है, वो चेयर आपकी लोअर बैक के साथ सपोर्टिव होनी चाहिए, यानी कि आप उसका सपोर्ट ले सकें पीछे से। कीबोर्ड माउस एंड अदर वाइब्रेटिंग डिवाइसेस सच एज प्रिंटर स्कैनर शुड बी पुट ऑन द सेपरेट टेबल, और आपके जितने भी डिवाइसेस हैं जो वाइब्रेटिंग डिवाइस जैसे प्रिंटर है, स्कैनर या जितने भी अलग डिवाइस, स्पीकर है, UPS है, ये सेपरेट टेबल पर रखे होने चाहिए। प्लेसमेंट ऑफ मैटर टू बी टाइप, आपको जो भी टाइप करना, मान लो आपको बुक में से देखकर कुछ टाइप करना है, नोटबुक में से देखकर आपको कुछ, वो आपको बुक या नोटबुक कहाँ रखनी है। प्लेस द मैटर फॉर टाइपिंग टू द लेफ्ट साइड ऑफ द कीबोर्ड, अपने कीबोर्ड के लेफ्ट हैंड साइड पर आपको वो बुक या नोटबुक रखनी है और राइट हैंड साइड पर आपको अपना माउस रखना है। आगे आपका पोजीशन ऑफ फिंगर्स ऑन द कीबोर्ड, जैसा कि आपको यहाँ पे पिक्चर में इमेज में मैंने दिखाया, आपको कीबोर्ड पे आपकी फिंगर्स का किस टाइप से आपको मेंटेन करना। द होम रो आल्सो कॉल्ड एज हॉरिजॉन्टल अप्रोच, होम रो को जिसको दूसरा नाम आपका हॉरिजॉन्टल अप्रोच भी होता है। ऑल द 8 फिंगर्स ऑफ बोथ द हैंड शुड बी इन सच ए वे एज शोन इन द फिगर, जैसा कि आपको फिगर में दिखाया गया, आपकी दोनों हैंड्स की जो 8 फिंगर्स हैं वो इस तरीके से इन इन कीज पर होनी चाहिए, जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगा। जो आपका लेफ्ट हैंड है और लास्ट फिंगर जो है आपकी, जैसा कि पिक्चर में दिखाया गया, वो आपकी ए पे होगी, सेकंड फिंगर एस पर, थर्ड फिंगर डी पर एंड फोर्थ और द लास्ट फिंगर नियर द थंब ऑफ द लेफ्ट हैंड टच द एफ की, सच इन दैट और इन द सिमिलर वे ऑल द फिंगर्स आर टच द सेपरेट कीज ऑफ द राइट हैंड विच इज शोन इन द फिगर। द थंब ऑफ द राइट हैंड इज यूज टू ऑपरेट द स्पेस बार, थंब आपके स्पेस बार पर आने चाहिए दोनों हैंड्स के ऊपर, स्पेस बार आप जो प्रेस करेंगे वो राइट हैंड थंब का यूज करके प्रेस करेंगे। एलोकेशन ऑफ कीज टू फिंगर्स, आपको फिंगर्स को किस टाइप से एलोकेट करना, यानी किस की के द्वारा आपको किस की को प्रेस करना है, किस फिंगर के द्वारा कीबोर्ड की किस की को प्रेस करना है, टाइप करना है। द कीबोर्ड लर्निंग प्रोसेस स्टार्ट फ्रॉम द सेकेंड रो फॉलोड बाय द थर्ड रो, फर्स्ट रो एंड फोर्थ रो। स्टूडेंट्स आपको ये लाइन बहुत ध्यान से लर्न करनी है कि आपका जो कीबोर्ड पे लर्निंग प्रोसेस स्टार्ट होता है वो सेकेंड रो से स्टार्ट होता है, जो फॉलो करता है थर्ड रो को, फर्स्ट रो को एंड देन फोर्थ रो को, यानी कि सेकेंड रो से आपको स्टार्ट करना है, उसके बाद थर्ड रो पे जाएंगे, उसके बाद फर्स्ट रो पे एंड देन लास्ट फोर्थ रो तो आप पहुंचेंगे। इट इज द लर्निंग प्रोसेस और द लर्निंग स्टेज ऑफ द टाइपिंग फिंगर्स फॉर प्रैक्टिसिंग ऑफ गुड टाइपिंग यूजिंग न्यूमेरिक कीपैड। न्यूमेरिक कीपैड का हम किस तरीके से यूज करना है, यूज ऑफ न्यूमेरिक कीपैड इज इम्पोर्टेंट टू एंटर न्यूमेरिक डेटा इन रिकॉर्ड्स, अगर आपको न्यूमेरिक रिकॉर्ड्स को एंटर करना हो तो आपको न्यूमेरिक कीपैड यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। द न्यूमेरिक कीपैड हैज 4 कॉलम्स एंड 5 रोज। न्यूमेरिक कीपैड, जैसे मैंने अपनी लास्ट क्लासेस में भी डिस्कशन किया था आपसे कि न्यूमेरिक कीपैड क्या होता है, आज मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ शॉर्ट में कि न्यूमेरिक कीपैड में 4 कॉलम्स होते हैं और 5 रोज होते हैं। नंबर 5 इज द गाइड की फॉर टाइपिस्ट, न्यूमेरिक कीपैड में जो 5 नंबर का की होता है वो टाइपिस्ट के लिए गाइड का काम करता है। एंड नंबर 0 इज टू बी प्रेस्ड बाय द राइट हैंड थंब, और 0 नंबर की जो की है न्यूमेरिक कीपैड पर वो राइट हैंड थंब के द्वारा प्रेस की जानी चाहिए। उसके बाद आपका आता है कीबोर्ड टिप्स, यहाँ पे कुछ आपको कीबोर्ड के टिप्स दिए जाएंगे कि आपको कीबोर्ड पे वर्क करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना। फर्स्ट है प्रेस द कीज जेंटली एंड डू नॉट अप्लाई फोर्स ऑन इट, कीबोर्ड पर कीज को प्रेस करते हुए जेंटली आराम से आपको कीज को प्रेस करना है, उस पर फोर्स अप्लाई नहीं करनी है।
योर फिंगर्स शुड बी इन होम रो वाइल्ड टाइपिंग। जब भी आप टाइपिंग कर रहे हो आपकी एट फिंगर्स ऑफ बोथ हैंड शुड बी इन द होम रो। डू नॉट लुक एट द कीबोर्ड वाइल प्रैक्टिस योर टाइपिंग। जब आप अपनी टाइपिंग की प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको सजेशन दिया जाता है कि आप कीबोर्ड की तरफ ना देखें। फोर, डू नॉट टेक एनी मेंटल स्ट्रेस वाइल टाइपिंग। टाइपिंग करते समय कोई भी मेंटल स्ट्रेस, कोई भी मानसिक तनाव ना लें। मेंटेन बैलेंस बिटवीन स्पीड एंड एक्यूरेसी बिकॉज बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट। स्पीड और एक्यूरेसी दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपकी टाइपिंग के लिए, तो इन दोनों चीजों के लिए आपको बैलेंस मेंटेन करके रखना। ऐसा नहीं है कि आप स्पीड को इंक्रीज करने के चक्कर में आप गलत टाइपिंग करें, आपकी स्पीड भी ठीक हो और सही टाइपिंग भी कर रहे हो। दिस इज नोन एज एक्यूरेसी। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप सही टाइप कर रहे हैं, बिल्कुल एक्यूरेट टाइप कर रहे हैं, पर आपकी टाइपिंग स्पीड बहुत कम हो। तो यू नीड टू मेंटेन द बैलेंस बिटवीन ऑफ द टू वर्ड्स स्पीड एंड एक्यूरेसी बिकॉज दीज टू टर्म्स अफेक्ट द टाइपिंग प्रैक्टिस फॉर अ गुड टाइपिस्ट। हम बात करेंगे आपसे टाइपिंग सॉफ्टवेयर के बारे में। टाइपिंग सॉफ्टवेयर, जैसे मैंने अभी आपको क्लास स्टार्ट होने से बताया था कि हम रैपिड टाइपिंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के बारे में हम यहाँ बात करेंगे। देयर आर मेनी सॉफ्टवेयर अवेलेबल विच आर फ्री ऑफ कॉस्ट टू लर्न टाइपिंग। टाइपिंग को लर्न करने के लिए, टाइपिंग की प्रैक्टिस करने के लिए आज के समय में काफी सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, जिसमें पहला आता है रैपिड टाइपिंग ट्यूटर एंड सेकेंड इज टाइपिंग मास्टर। हम आपसे बात करेंगे अपनी क्लास में रैपिड टाइपिंग ट्यूटर के लिए। रैपिड टाइपिंग ट्यूटर इज ए फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। रैपिड टाइपिंग ट्यूटर इज ए फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर डिजाइंड टू लर्न टाइपिंग स्किल्स। टाइपिंग स्किल्स को लर्न करने के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया गया जिसका नाम है रैपिड टाइपिंग ट्यूटर। और ये सॉफ्टवेयर एक फ्री और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। फ्री और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का मतलब ये सभी यूजर्स के लिए फ्री में उपलब्ध है, किसी को कोई चार्ज नहीं करना है और आप इसमें किसी भी तरीके से बिना किसी हेजिटेशन के वर्क कर सकते हैं। इट इज फ्री टू यूज एंड शेयर विद अदर्स फॉर फ्री। आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ फ्री में शेयर कर सकते हैं। उसके बाद हम इसमें बात करेंगे रैपिड टाइपिंग ट्यूटर के फॉलो करते हुए टेक्स्ट टाइपिंग टेक्निक्स। टेक्स्ट टाइपिंग इंप्रूव्स टाइपिंग स्पीड एंड एक्यूरेसी। आज के समय में काफी सारे ई डिवाइसेस और ई गैजेट्स ऐसे हैं जिनको यूज करने के लिए हमें टेक्स्ट टाइपिंग का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो टेक्स्ट टाइपिंग से हमारी स्पीड की टाइप स्पीड इंक्रीज होती है, स्पीड बढ़ती है और हम एक्यूरेट टाइपिंग कर पाते हैं। टेक्स्ट टाइपिंग कैन बी लर्न बाय परफॉर्मिंग स्पेशल एक्सरसाइजेस। टेक्स्ट टाइपिंग को के द्वारा अपनी स्पीड और एक्यूरेसी को मेंटेन करने के लिए आपको कुछ स्पेशल एक्सरसाइजेस को परफॉर्म करने की आवश्यकता है होती है। फर्स्ट है स्टेज वन। इन दिस लर्निंग ऑफ टाइपिंग स्टार्ट विद होम रो ऑफ द कीबोर्ड। फर्स्ट स्टेज में आपकी जो टाइपिंग स्टार्ट होती है वो होम रो से स्टार्ट होती है, कीबोर्ड की होम रो, जैसे मैंने आपको बताया था। इट इज फॉलोड बाय लर्निंग ऑफ लोअर एंड अपर रोज। और इसमें होम रो के लोअर वाली रो और होम रो के अपर वाली रो को फॉलो करते हुए हम टाइपिंग करते हैं। नंबर रोज, कुछ नंबर रोज का ही प्रयोग करते हैं, अपर केस लेटर एंड स्पेशल सिंबल का प्रयोग करते हुए, फॉलो करते हुए हम फर्स्ट स्टेज में टाइपिंग सीखते हैं। सेकंड स्टेज आती है, इट इन्वॉल्व्स मेमोराइजिंग फ्रीक्वेंटली यूज्ड सिलेबस एंड टाइपिंग वर्ड्स कंटेनिंग दीज सिलेबस। आपको कुछ वर्ड्स मेमोराइज करने हैं जो ज्यादा यूज होते हैं और कुछ की जो ज्यादा यूज होती है टाइपिंग करते समय, उनको मेमोराइज करनी है कि वो की कौन सी फिंगर के द्वारा प्रेस की जाएंगी। थर्ड स्टेज, इट इन्वॉल्व टाइपिंग एक्चुअल टेक्स्ट टू परफेक्ट द स्किल्स एक्वायर। और थर्ड स्टेज से आपको अपनी परफेक्ट स्किल्स की प्रैक्टिस करनी स्टार्ट करनी है कि आप जो टेक्स्ट टाइप कर रहे हैं वो बिना देखे करें, यानी कीबोर्ड की तरफ को देखे नहीं, कीबोर्ड को नहीं देखना, आपको टाइपिंग मैटर के कंटेंट को ही देखना है और परफेक्ट बनाने की कोशिश करेंगे। एंड नेक्स्ट इज टाइपिंग रूल्स। आपको टाइपिंग करने के भी कुछ रूल्स होते हैं यहाँ पर। फर्स्ट है द कीज FDSE एंड JKL सेमी कॉलन कीज रिप्रेजेंट द बेस पोर्शन ऑन द कीबोर्ड। कीबोर्ड पर ये जो मैंने 8 कीज आपको बताई हैं, FDSE फॉर द लेफ्ट हैंड एंड द कीज सेमी कॉलन LK एंड J फॉर द राइट हैंड
इज आर द बेस पोजिशन ऑन द कीबोर्ड। ये किसी भी टाइपिंग की प्रैक्टिस स्टार्ट करने के लिए कीबोर्ड के बेस पोजिशन की तरह वर्क करते हैं। सेकेंड है, थंब ऑफ योर हैंड शुड बी यूज टू प्रेस स्पेस बार की। स्पेस बार को प्रेस करने के लिए आपको अपने हैंड की फिंगर्स का यूज नहीं करना है, आपको थंब का यूज करना है। थर्ड इज द बेस पोजिशन ऑन द न्यूमेरिक की पैड इज नंबर 5। न्यूमेरिक की पैड पे नंबर को टाइपिंग करने के लिए आपका जो बेस पोजिशन की है वो है 5। इट इज सिंप्लीफाइज एंड स्पीड अप न्यूमेरिकल डेटा। अगर आप न्यूमेरिकल डेटा को एंटर करना चाहते हैं तो आपकी जो फिंगर्स हैं वो 5 की पर होनी चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग आपकी फिंगर्स अप एंड डाउन न्यूमेरिकल डेटा को टाइप करने के लिए चलनी चाहिए। फोर्थ पॉइंट इज अपर केस लेटर्स एंड सिंबल्स अपियरिंग ऑन कीज इन द नंबर रो आर टाइप्ड बाय एक्टिवेशन ऑफ कैप्स लॉक की और होल्ड द शिफ्ट की। यदि आप अपर केस लेटर्स, अपर केस में अल्फाबेट्स टाइप करना चाहते हैं या कोई भी एक सिंबल टाइप करना चाहते हैं जो नंबर रो पर जो सिंबल्स अपियर हो रहे हैं वो आप टाइप कर सकते हैं। अगर आपको अपर केस लेटर्स टाइप करना है तो आपको कैप्स लॉक की को एक्टिवेट करना पड़ेगा या शिफ्ट की को होल्ड करना पड़ेगा। और यदि आप नंबर रो पर जो कुछ सिंबल्स हमें डिस्प्ले किए जाते हैं, सिंबल्स अपियर होते हैं, अगर आप उन सिंबल्स को टाइप करना चाहते हैं तो आपको शिफ्ट की को प्रेस करना पड़ेगा, शिफ्ट की एंड देन कंटिन्यू द प्रेस द नंबर की और द सिंबल की विच यू वांट टू प्रिंट। अगर आप शिफ्ट की के साथ उस सिंबल की को प्रेस करेंगे, उस नंबर की को प्रेस करेंगे जिस नंबर की पर कोई एक सिंबल भी प्रिंटेड है और आप उस सिंबल को प्रिंट करवाना चाहते हैं, टाइप करना चाहते हैं, तो शिफ्ट की और उस नंबर की को एक साथ प्रेस करना है आपको। जब आप ऐसा करेंगे तो उस नंबर की पर जो भी सिंबल प्रिंटेड है वो आपका टाइप हो जाएगा। जैसे मैंने आपको यहाँ पे कीबोर्ड के आपसे दिखाया, जैसे मैंने ऊपर फर्स्ट पॉइंट में बताया था FDSA ऑफ द लेफ्ट हैंड एंड JKL एंड सेमीकोलन ऑफ द की यूज बाय द लेफ्ट हैंड आपको यूज करना है टाइपिंग करने के लिए। अब हम बात करेंगे टाइपिंग ट्यूटर इंटरफेस के बारे में, रैपिड टाइपिंग ट्यूटर इंटरफेस के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। रैपिड टाइपिंग ट्यूटर इंटरफेस कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग कमांड्स। रैपिड टाइपिंग ट्यूटर इंटरफेस जो है काफी सारी कमांड्स को कंसिस्ट करता है, जिसमें फर्स्ट है टास्क बार अलाउज टू चेंज सम बेसिक फंक्शंस सच एज कीबोर्ड लेआउट लेसन एंड बैकग्राउंड। टास्क रैपिड टाइपिंग ट्यूटर इंटरफेस में जो फर्स्ट इंटरफेस आता है वो आता है टास्क बार। टास्क बार जो है कुछ फंक्शंस को चेंज करने के लिए आपको परमिशन देता है, आपको अलाउ करता है, जैसे कीबोर्ड लेआउट आप चेंज कर सकते हैं, लेसन चेंज कर सकते हैं और आप उसका टाइपिंग ट्यूटर, रैपिड टाइपिंग ट्यूटर का बैकग्राउंड भी आप चेंज कर सकते हैं। सेकंड आता है टेक्स्ट पैनल इज द एरिया वेयर द टेक्स्ट टू बी टाइप्ड इज डिस्प्लेड। जो टेक्स्ट पैनल यहाँ पे इन्होंने टर्म यूज करी है, ये टेक्स्ट पैनल वो एरिया है रैपिड टाइपिंग सॉफ्टवेयर में, वो एरिया है जिस जहाँ पे आप टाइपिंग कर रहे हो, जहाँ जो भी आप टाइपिंग कर रहे हैं वो टाइपिंग मैटर आपका वहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। दिस एरिया इज नोन एज टेक्स्ट पैनल। वो आपको कैसा दिखना चाहिए आप इसमें भी चेंजेस कर सकते हैं। थर्ड इज लेसन कंट्रोल पैनल कैन चेंज द करंट लेसन। लेसन कंट्रोल पैनल भी एक वहाँ पे इंटरफेस होता है जिसमें जाकर के आप अपने करंट लेसन को, जिस लेसन पर आप वर्क कर रहे हैं अगर आप लेसन को चेंज करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। रिज्यूम द लेसन मीन्स अगर आप लेसन पे, जिस लेसन पे आप टाइपिंग कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं टाइपिंग की, बेस्ट टाइपिंग प्रैक्टिस के लिए, अगर आप उस लेसन को बीच में रिज्यूम करना चाहते हैं, स्टॉप करना चाहते हैं, वो भी कर सकते हैं। एंड एडजस्ट द साउंड वॉल्यूम। और यदि आप अपने कीज की टाइपिंग कीज की वॉल्यूम को एडजस्ट करना चाहते हैं, फास्ट या स्लो करना चाहते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट इज वर्चुअल कीबोर्ड हेल्प्स यू टू लर्न टच टाइपिंग विद ऑल 10 फिंगर्स। और यदि आप वर्चुअल कीबोर्ड का यूज करना चाहते हैं, वर्चुअल टाइपिंग का यूज करना चाहते हैं, यानी कि टच टाइपिंग का आप यूज करना चाहते हैं, तो उसमें आपको सभी 10 फिंगर्स का यूज करना होगा, यानी उसमें थंब को भी हमें यूज करना होता है। एंड फिफ्थ पॉइंट इज स्टार्ट योर फर्स्ट लेसन इन टाइपिंग ट्यूटर एंड प्रैक्टिस योर टाइपिंग। और आपको सजेशन ये दिया जाता है कि जैसे मैंने आपको टाइपिंग ट्यूटर के कुछ इंटरफेसेस के बारे में आपको यहाँ से बताया, तो आप फर्स्ट लेसन से रैपिड टाइपिंग ट्यूटर में स्टार्ट करें और अपनी टाइपिंग की प्रैक्टिस करें।
अब यहाँ पे मैंने आपको बताया, यहाँ पे रैपिड टाइपिंग ट्यूटर के कुछ मैंने यहाँ पे आपको इंटरफेस और स्क्रीन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। रैपिड टाइपिंग के जो मेन विंडो जब आप ओपन करेंगे तो आपकी विंडो इस टाइप से आएगी, और ये बिगिनिंग और इंट्रोडक्शन टू रैपिड टाइपिंग ट्यूटर। जब आप इसको इंट्रोडक्शन करेंगे, जैसे आपको यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं कि मैंने फर्स्ट लेसन आपका स्टार्ट कराया इंट्रोडक्शन, तो आपकी जब इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे तो आपकी स्क्रीन इस टाइप से होगी। और आपका जो यहाँ पे थर्ड विंडो मैंने आपको लगाया सिलेक्टिंग ये लेसन, आपको फर्स्ट टॉपिक आपने सेलेक्ट करा, चैप्टर स्टार्ट करा, इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन में आपको कौन सा लेसन स्टार्ट करना है, ये कौन सी लेसन की आपको प्रैक्टिस करना है, लेसन वन की, लेसन टू की, लेसन थ्री की, आप काफ़ी सारे लेसन यहाँ पे इंट्रोडक्शन टॉपिक में आपको दिए गए, तो आप उस लेसन को सिलेक्ट कर सकते हैं। इट इज द स्क्रीन फ्रॉम वेयर यू वॉन्ट टू सिलेक्ट ए लेसन फॉर टाइपिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे हम टाइपिंग कलर इंडिकेशन। जब हम टाइपिंग करते हैं तो रैपिड टाइपिंग ट्यूटर आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, फीचर प्रोवाइड करता है कलर इंडिकेशन। इन रैपिड टाइपिंग ट्यूटर द कलर इंडिकेशन इज एज फॉलोज। नंबर वन, ग्रीन लेटर डिनोट्स राइट इनपुट। यदि आप जो टाइपिंग करें अगर वो ग्रीन कलर से टाइप हो रहा है, शो कर रहा है, यानी कि आपने सही टाइप करा है। येल्लो लेटर डिनोट्स राइट इनपुट एक्सीडिंग एक्सेप्टेबल टाइम फ्रेम। येल्लो लेटर में अगर कोई टाइपिंग मैटर आपका टेक्स्ट डिस्प्ले हो रहा है तो इसका मीन्स है आपने टाइपिंग तो सही करी है पर आपने उस वर्ड को टाइप करने के लिए ज़्यादा समय लिया है। और थर्ड इज रेड लेटर डिनोट रॉन्ग इनपुट इन एक्सेप्टेबल टाइम फ्रेम। और रेड रिप्रेजेंट करता है कि आपने गलत टाइपिंग करी है, एक टाइम लिमिट के अंदर आपको सही टाइप करना था, आपने टाइम लिमिट का तो उतना ही प्रयोग करा जितने टाइम लिमिट में आपको टाइपिंग करना चाहिए था, पर आपने गलत टाइप करा। एंड फोर्थ इज ऑरेंज लेटर्स इंडिकेट रॉन्ग इनपुट, लेटर्स इंडिकेट रॉन्ग इनपुट एक्सीडिंग द एक्सेप्टेबल टाइम फ्रेम। आपको एक लिमिटेड टाइम पीरियड से ज़्यादा टाइम लेकर भी आपने गलत टाइपिंग करी है, इज इंडिकेटेड बाय द ऑरेंज कलर। जैसे आपको यहाँ पे कलर्स आपको दिखाए गए हैं, ग्रीन, येलो, रेड एंड ऑरेंज। चलिए आगे चलते हैं हम। ये आता है आपका टाइपिंग स्पीड। टाइपिंग स्पीड कैन बी कैलकुलेटेड विद डिफरेंट एक्यूरेसीज सच एज हाउ मैनी वर्ड्स आर यू टाइप्ड विद इन ए मिनट। आपकी टाइपिंग स्पीड को भी कुछ कैलकुलेट की जाती है कि कोई भी यूजर कितनी तेजी से टाइप कर रहा है, उसकी स्पीड कितनी है, उसको कैलकुलेट करने का क्या तरीका होता है। हाउ मैनी वर्ड्स आर यू टाइप्ड विद इन ए मिनट, एक मिनट में आप कितने शब्द टाइप करते हैं। हाउ मैनी कैरेक्टर्स आर यू टाइप्ड विद इन ए मिनट, एक मिनट में आप कितने अल्फाबेट्स टाइप करते हैं। एंड हाउ मैनी कीज आर प्रेस्ड विद इन ए मिनट, एक मिनट में आप कितने कीज को प्रेस कर पाते हैं, कितने कीज को दबा पाते हैं, टाइप कर पाते हैं, कितने कीज को आप टच कर पाते हैं। तो इसके लिए हमने कुछ यहाँ पे टर्म्स यूज करी हैं जिनको हम कैलकुलेट करने के यूज करेंगे टाइपिंग स्पीड को। सबसे पहला मेरा है WPM। WPM मीन्स नंबर ऑफ वर्ड्स टाइप्ड इन वन मिनट। WPM की फुल फॉर्म होती है वर्ड्स टाइप्ड इन वन मिनट, एक मिनट में कितने शब्द, कितने वर्ड्स टाइप किए गए। WPM का फॉर्मूला होता है वर्ड्स विदाउट एरर्स प्लस वर्ड्स विद एरर। कितने वर्ड्स आपने गलत टाइप करे, कितने वर्ड्स आपने सही टाइप करे, उनको जो प्लस करेंगे डिवाइडेड बाय टाइम स्पेंट इन मिनट। और इन वर्ड को टाइप करने में आपने कितने समय लिया, कितने मिनट्स लिए, उसके डिवाइड कर देंगे तो आपका आ जाएगा कि एक मिनट में आपने कितने वर्ड्स टाइप करें। उसके बाद आता है नेट WPM। नेट WPM मीन्स WPM विदाउट वर्ड्स विद एरर्स, यानी कि वो वर्ड जिसमें आपने कोई गलती नहीं करी, यानी कि बिल्कुल सही वर्ड्स आपने टाइप करें, जिसको हम बोलते हैं नेट WPM इक्वल टू, उसका कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है WPM माइनस वर्ड्स पर मिनट। एक मिनट में आपने कितने वर्ड्स टाइप करे, जैसे कि मैंने ऊपर निकाला था, उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे वर्ड्स विद एरर्स डिवाइडेड बाय टाइम स्पेंट इन मिनट। आपने कितने वर्ड्स गलत टाइप करे और उन गलत वर्ड्स को टाइप करने में आपने कितना समय लिया, उसको माइनस कर देंगे WPM में से, वर्ड्स पर मिनट में से। आगे देखते हैं कुछ टर्म्स और पढ़ेंगे हम यहाँ पे, जिसमें फर्स्ट आपको दिया गया CPM। CPM का मतलब होता है करेक्टर टाइप इन वन मिनट, एक मिनट में आपने कितने करेक्टर्स टाइप करे। इसका फॉर्मूला है करेक्टर विदाउट एरर प्लस करेक्टर विद एरर डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इन मिनट। आपने जितने अल्फाबेट करेक्टर्स का मतलब स्टूडेंट यहाँ पे अल्फाबेट से है,
कंप्यूटर लैंग्वेज में हम अल्फाबेट्स ना बोल के करेक्टर्स बोलते हैं। आपने कितने अल्फाबेट्स, कितने करेक्टर्स गलत टाइप करें, कितने करेक्टर्स सही टाइप करें, दोनों को प्लस करके टोटल टाइम आपने उनको टाइप करने में कितने लिया, उसको मिनट्स में टाइम लेकर के हम डिवाइड करते हैं। इसी तरीके से जैसे हमने नेट WPM निकाला था, इसी तरीके से हम नेट CPM निकालेंगे। CPM विदाउट करेक्टर्स विद एरर्स, यानी कि आपने कितने करेक्टर्स, कितने अल्फाबेट सही टाइप करे हैं। तो जैसे हमने नेट WPM में कंसेप्ट यूज करा था, इसी तरीके से नेट CPM में हम यूज करेंगे। CPM में से उन सभी अल्फाबेट्स, उन सभी करेक्टर्स को माइनस कर देंगे जो आपने एरर्स यानी गलत टाइप्ड करे हैं। CPM माइनस करेक्टर विद एरर डिवाइडेड बाय टोटल स्पेंट इन मिनट, दिस इज द फॉर्मूला विच वी कैन यूज टू कैलकुलेट द नेट CPM। नेक्स्ट इज KPM, द नंबर ऑफ कीज प्रेस इन वन मिनट, आपने एक मिनट में कितनी कीज को प्रेस किया, कितनी कीज को टच किया, इज नोन एज KPM। इट इज कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला कीज विदाउट एरर प्लस कीज विद एरर डिवाइडेड बाय टोटल स्पेंट इन टाइम इन मिनट, आपने कितने कीज को सही प्रेस किया, कितनी कीज को गलत प्रेस किया, उनको प्लस कर देंगे और डिवाइड कर देंगे कितना टाइम आपके द्वारा लिया गया, वो टाइम पर आपका मिनट्स में होना चाहिए। एंड नेक्स्ट इज नेट KPM, दिस इज द सिमिलर फॉर नेट WPM और नेट CPM। मीन्स KPM विदाउट की प्रेस विद एरर, नेट KPM इज टू बी कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला KPM माइनस KPM माइनस कीज विद एरर्स डिवाइडेड बाय टाइम स्पेंट इन मिनट्स, आपने कितने की गलत प्रेस की और उन कीज को प्रेस करने में आपको कितना टाइम लगा मिनट में, वो कैलकुलेट करने के बाद उसकी वैल्यू को KPM कीज पर मिनट में से हम माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारा नेट KPM की वैल्यू आ जाती है। आगे चलते हैं हम, यहाँ पे मैंने आपका एग्जाम्पल कंसिडर कराया आपको, ये जो कंसेप्ट समझाने की जो मैंने आपको फॉर्मूलाज बताए हैं, कुछ आपके साथ फॉर्मूलाज को डिस्कशन किया है किसी भी यूजर की स्पीड को कैलकुलेट करने के लिए, उसके लिए मैंने आपको एग्जांपल लिया है। एग्जांपल में देखते हैं क्या है। ए स्टूडेंट टाइप 240 करेक्टर्स पर 2 मिनट्स विद एरर इन 20 करेक्टर्स। इसमें बताया गया एग्जाम्पल में कि एक स्टूडेंट है वो 240 करेक्टर्स को टाइप करता है पर 2 मिनट्स, दो मिनट में, प्रत्येक दो मिनट में 240 करेक्टर यानी कि 240 अल्फाबेट्स को वो टाइप कर रहा है और उसमें से 20 करेक्टर यानी कि 20 अल्फाबेट्स उसने गलत टाइप करे, तो कैलकुलेट इट्स नेट स्पीड, उसकी नेट स्पीड कैलकुलेट करिए। देखते हैं उसका सॉल्यूशन क्या है। उसका सॉल्यूशन है सिंपल स्पीड CPM, यानी कि कैरेक्टर की यहाँ पर बात हो गई तो करेक्टर पर मिनट का हम फॉर्मूला लगाएंगे। पहले करेक्टर पर मिनट में कमाने फॉर्मूला आपको बताया कि टोटल वर्ड्स उसने कितने टाइप करे, 240 कितना टाइम लिया, हमें ये मिनट में लेना, हमें यहाँ पे दिया गया था मिनट्स में टाइम 2 मिनट, तो हमें पता लग गया वो स्टूडेंट जो है एक मिनट में 120 करेक्टर्स टाइप कर रहा है। तो हम निकालेंगे नेट स्पीड, नेट स्पीड यानी कि नेट CPM का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, CPM माइनस करेक्टर्स विद एरर डिवाइडेड बाय टाइम स्पेंट इन मिनट्स। तो कितने CPM की हमने निकाली वैल्यू, CPM की वैल्यू आई हमारी 120, तो 120 हमने यहाँ रखा और करेक्टर्स भी जा, उसने कितने करेक्टर्स गलत टाइप करे 20 और टोटल टाइम उसने कितना लिया था टाइपिंग करने में 2 मिनट्स। 20 करेक्टर्स उसने गलत टाइप करे और टोटल टाइम उसके द्वारा टाइपिंग में जो लिया गया था वो 2 मिनट्स लिया गया था, तो 20 को मैंने यहाँ पे 2 से डिवाइड करा एज पर द फॉर्मूला, और 20 को 2 से डिवाइड करा तो 10 है, 120 में से माइनस करा 10 तो आपका आ गया 110 नेट CPM। मींस दैट स्टूडेंट इज टाइप्ड 110 करेक्टर्स पर मिनट, इस स्टूडेंट की जो स्पीड है वो एक मिनट में 110 करेक्टर्स को टाइप करने की है। चलिए आगे चलते हैं, अब हम पढ़ेंगे टाइपिंग एक्यूरेसी। ये तो हमारी स्पीड की बात थी, हम एक्यूरेसी आपने कितना सही टाइप करा है ये भी हम जानेंगे। कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज डिफाइंड एज द परसेंटेज ऑफ करेक्ट एंट्रीज आउट ऑफ टोटल एंट्रीज टाइप, आपने कितनी एंट्रीज करी, कितना मैटर है आपने, कितने शब्द आपने सही टाइप करे हैं, कितने शब्द आपने टोटल कितने शब्द टाइप करे हैं, उनमें से कितने शब्द आपके सही हैं,
उसके हम परसेंटेज निकालते हैं, दिस इज नोन एज टाइपिंग एक्यूरेसी। इसका यहाँ पे मैंने आपको टेबल में फॉर्मूला समझाने की यहाँ पे कोशिश करी है। फर्स्ट है आपका यहाँ पे एक्यूरेसी इन वर्ड्स, परसेंटेज में हम निकालेंगे। एक्यूरेसी निकालने के लिए फॉर्मूला यूज किया गया वर्ड्स विदाउट एरर्स, यानी कि करेक्टेड वर्ड्स, यानी कि आपने कितने शब्द सही टाइप करे, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, उनको डिवाइड करेंगे कि आपने टोटल कितने शब्द टाइप करे और उसकी 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरीके से आप करेक्टर्स की एक्यूरेसी निकाल सकते हैं परसेंटेज में, और इसी के अकॉर्डिंग आप अपने कितनी कीज प्रेस कर रहे हैं इसकी आप एक्यूरेसी निकाल सकते हैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। आपको फॉर्मूला यहाँ पे दिया गया है। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ टाइपिंग एक्यूरेसी। तो स्टूडेंट्स अब लास्ट में हम आपसे बात करेंगे वर्ल्ड टाइपिंग कोड्स। आपको कुछ यहाँ पे मैं इंफॉर्मेशन फैक्ट शो करूंगा जिसमें आपको ये बताया गया है कि दुनिया में टाइपिंग रिकॉर्ड्स किसके नाम में रजिस्टर्ड है, कौन व्यक्ति है। फर्स्ट द फास्टेस्ट टाइपिंग स्पीड ऑन अल्फा न्यूमेरिक कीबोर्ड इज 216 वर्ड्स पर मिनट हैज अचीव्ड बाय स्टेला पजुनास इन 1946 में। स्टेला पजुनास नाम के व्यक्ति के द्वारा वर्ल्ड रिकॉर्ड रजिस्टर्ड किया गया था टाइपिंग का, कीबोर्ड पे टाइपिंग करके, जिसने 216 शब्द एक मिनट में टाइप करे थे। सेकंड रिकॉर्ड इज द अकॉर्डिंग टू गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार 2005 बर्बरा ब्लैकबर्न वाज द फर्स्ट अल्फान्यूमेरिक कीबोर्ड टाइपिस्ट इन द वर्ल्ड विद स्पीड टाइपिंग 212 वर्ड्स पर मिनट। दुनिया के गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड के अनुसार सन 2005 में बारबारा ब्लैकबर्न नाम के व्यक्ति के द्वारा दुनिया का सबसे टाइपिंग रिकॉर्ड मेंटेन किया गया, जो है 212 वर्ड शब्द मिनट, जिसने 212 वर्ड पर मिनट टाइप करे थे। और ये किस पर करे थे, ये अल्फा न्यूमेरिक कीबोर्ड का यूज करके करे थे, जो कीबोर्ड हम आज के समय में यूज कर रहे हैं, यानी कि जिस पर आपके अल्फाबेट्स भी और नंबर्स भी होते हैं। ये स्टूडेंट आपके थे कुछ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के बारे में इंफॉर्मेशन जो रिटन में रिकॉर्डेड है। स्टूडेंट आज की क्लास के अकॉर्डिंग जो मैंने आपको डिस्कशन किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं, आपको ध्यान में रखना है। और इसी के साथ हमारा जो पार्ट बी यूनिट 2 डेटा एंट्री एंड कीबोर्डिंग स्किल्स का चैप्टर हम पढ़ रहे थे पिछले कुछ क्लासेस में डिस्कशन करा आपके साथ, ये चैप्टर आज हमारा कंप्लीट होता है। आपको ये मेरी वीडियो कैसे लगी और ये चैप्टर एक्सप्लेनेशन के कंसेप्ट और नोट्स आपको कैसे लगे, प्लीज वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।